Hi, this is Ajiraj, business advisor and trainer from Support System. Dear friend, आज की टॉपिक है इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और इंश्योरेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखते रहिए, इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा और कुछ प्लान की भी बताऊंगा आपको, क्या क्या प्लान है इंश्योरेंस में और कौन सा प्लान सबसे बेहतर है और कौन सी प्लान लेने से आपका जो बीमा बेहतर रहेगा, आपकी लाइफस्टाइल भी बेहतर रहेगा। इसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। डियर फ्रेंड, पहली बात, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? देखिए, काफी सारे लोग इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं कि इंश्योरेंस से मुनाफा हो, मतलब प्रॉफिट हो, मतलब जैसे लगता है इंश्योरेंस एक बिजनेस है, वहां पे पैसा लगा दिए उसके बाद रिटर्न आ जाएगा। नहीं दोस्तों, इंश्योरेंस इसीलिए कभी मत लेना। अगर इंश्योरेंस में प्रॉफिट होता है तो ये गलत बात है, क्योंकि इंश्योरेंस में प्रॉफिट नहीं, इंश्योरेंस प्रॉफिटेबल है, बट इंश्योरेंस में पैसा लगाकर कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। इंश्योरेंस इसीलिए लिया जाता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, आपका परिवार की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। किसी को इंश्योरेंस चाहिए वो मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए, आज की डेट में इंश्योरेंस सभी को चाहिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस का फायदा ये है, अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका मैच्योरिटी में रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैच्योरिटी में, अगर आप मैच्योरिटी तक आप रहते हैं जिंदगी भर, तो आपको रिटर्न मिलेगा ही तो मिलेगा। बाकी इसमें ये फायदा है, अगर आपका कुछ हो जाता है तो आपकी जो परिवार है, आपकी जो फैमिली हो, वो कभी भी सड़क पर नहीं आएंगे। इसीलिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस हो सकता है, मैं आज इंश्योरेंस की कुछ सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। देखिए, बात यह है कि इंश्योरेंस कब लेना चाहिए और क्यों भी लेना चाहिए, ये भी बताऊंगा आपको। सीक्रेट ये है, देखिए, आप अगर इंश्योरेंस लेते हैं ना, एक काम करेंगे, मेरा छोटा सा बात मानेंगे तो आपकी इंश्योरेंस प्रॉफिट ज्यादा होगा। आपका पहले उम्र क्या है, जितना कम उम्र में लेंगे उतना आपको प्रीमियम कम भरना पड़ेगा, जितना टर्म ज्यादा लेंगे तो उसी के हिसाब से आपको बहुत ही कम आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। कभी भी इंश्योरेंस लेने से पहले ये सोचना कि टर्म ज्यादा लेने के लिए, क्योंकि अगर टर्म ज्यादा लेते हैं तो लाइफ कवरेज उतना ज्यादा आता है। अगर टर्म कम ले लिए, कुछ लोग सोचते हैं ना, एक कम बजट, मतलब अभी आज मैं इन्वेस्ट कर लूँ, 10 साल 12 साल 15 साल के बाद मुझे रिटर्न आ जाए और बेहतर रिटर्न आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस ऐसे लेना नहीं चाहिए। अगर ऐसे लेते हैं तो इंश्योरेंस का वैल्यू ही कुछ नहीं है। अगर रिटर्न के लिए इंश्योरेंस कर तो मत कीजिए। इंश्योरेंस इसीलिए कीजिए कि अपनी जिंदगी और सुरक्षा के लिए, मतलब वो अपनी जो लाइफ की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक प्लान तो क्या है और इसी प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपको मैं स्क्रीन, मेरा डेस्कटॉप की स्क्रीन में आपको सारे के प्लान में यहाँ पर रिकॉर्ड किया हूँ। आप एक बार बताऊंगा आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता, आप उसे कॉमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखेंगे आज का प्लान आपके लिए क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताऊंगा तो प्लान सबसे डिफरेंट है और सबसे बेहतर भी है। तो ये प्लान में क्या है, क्या खासियत है इसमें, आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। जो प्लान है सबसे छोटा सा प्लान है, सभी लोग इस चीज को ले सकते हैं। देखिए, आज की डेट में सभी लोग चाहते हैं छोटा छोटा सेविंग करना चाहते हैं। बाकी सेविंग तो आपको कहीं भी कर सकते हैं, अपनी नियर बाय बैंक, कौन सी बैंक में सेविंग कर सकते हैं। बाकी इसमें सेविंग करने से फायदा क्या होगा आपको? फायदा ये है कि आपको सेविंग तो होगा ही होगा, इसके बाद भी आपको क्या मिलेगा, एक इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी मिलेगा। क्या छोटा छोटा सेविंग है, कितना ले सकते हैं, देखिए प्लान क्या है, मजा आ जाएगा। रियली मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्लान मैं आपको फिलहाल समझाने जा रहा हूँ सबसे बेहतर प्लान है। और मैं काफी सारे लोग को ये प्लान रिकमेंडेशन करता हूँ, जितना गरीब हो, जितना रिच हो, रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सभी लोग ये प्लान को ले सकते हैं, बेहतर प्लान है। तो देखिए प्लान क्या है, देखो ये इसका नाम है बीमा बचत। बीमा का मतलब समझते होंगे जो रहता है इंश्योरेंस, ठीक है ना। छोटा छोटा बचत को भी आप इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये सिंगल प्रीमियम प्लान। सिंगल प्रीमियम का मतलब समझोगे, फिक्स डिपॉजिट हम आपको जो समझा रहे हैं, काफी सारे लोगों को समझाने, छोटा छोटा फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं हम बैंक में,
जैसे 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 छोटे छोटे फिक्स डिपोजिट डाल लेते हैं, तो इसी का भी एक फिक्स डिपोजिट आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, खासियत क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरा क्रॉस अप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्लान है जो कि 9, 12 और 15 साल का टर्म ले सकते हैं, मतलब वो जितना छोटा है उतना छोटा आप टर्म लेंगे, जितना बड़ा है आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम एंट्री इसमें है आपका नियर अबाउट तो ले सकते हैं 15 साल, अगर आपके पास 15 साल हो चुके हैं आपको तो 15 साल में आप इसको एंट्री ले सकते हैं, और मैक्सिमम 55 साल तक उसमें इसका एंट्री है। और मैक्सिमम एंट्री तो आप देख लीजिए यहाँ पर देखें आपको मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, मतलब वो मैच्योरिटी मतलब देखिए 9 साल का कोई प्रीमियम नहीं है तो 59 ईयर का मतलब नियर बाय डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और मैक्सिमम मैच्योरिटी में इसमें बहुत सारे चीज़ देखिए 12 में 62 साल और टर्म 15 में 65 साल, मतलब आप मान के चलिए 15 साल का कोई टर्म लेते हैं तो आप 65 ईयर होना चाहिए, मतलब आप 50 साल तक 55 लिखा है तो मान लीजिए 50 साल में आप अपना प्लान खरीद सकते हैं, और प्लान खरीदते हैं तो 15-55 आपको 65 हो जाएगा तो आपको उसका मैच्योरिटी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर खासियत क्या आते हैं, तो यहाँ पर तो खासियत ये है कि मिनिमम समाउंट जो है बहुत ही कम, मतलब 35,000, मतलब वो क्या है आज के बिल्कुल भी नहीं है आज की जगह, 35,000 भी आपको इसमें सेविंग कर सकते हैं। हाँ 35,000 में आप जो सेविंग करेंगे आपको 35,000 भरना नहीं पड़ेगा, आपको लगभग कोई 27-28 हज़ार तक टैक्स वगैरह काट के आपको 27-28 हज़ार तक ये भरना पड़ेगा लगभग, आपको एज के ऊपर डिपेंड करता है आपका एज क्या है। अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कंटैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, रियली मैं बताऊंगा आपको क्या आपको प्लान लेना चाहिए और क्या रहेगा आपका, मतलब वो कितना आपको प्रीमियम भरेंगे इसी प्लान के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे टर्म जितना ले रहे हैं आपको 15 साल लेना चाहिए, तो जितना बड़ा टर्म लेंगे जितना उतना बड़ा अमाउंट, मतलब 70,000 वो भी लगभग आज के अंदर बाइक खरीदने के लिए जाते हैं 1,00,000 लगभग आ जाता है, और मैक्सिमम समाचार तो अनलिमिटेड आपको 5,00,000, 10,00,000, 50,00,000 एक करोड़ भर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया बीमा बचत छोटा मोटा जो मतलब सिम्टम्स जो भी आप फिलहाल देख रहे हैं, तो यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं बेनिफिट इसमें क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बेनिफिट तीनों बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट, लोन बेनिफिट एंड अनसर्वाइवल वैल्यू, तीनों भी है। डेथ में आप देखिए यहाँ पर जो कोई भी डेथ कर लेता है तो उसी का जितना टर्म लिया है, मान के चलो 1,00,000 की लिया है तो उसको 1,00,000 ही मिल जाएगा, इससे कोई गुंजाइश नहीं है, और इसके साथ भी बोनस वगैरह ही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन डेथ में नॉर्मल डेथ में एक्सीडेंटल डेथ में उसका डबल मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि लोन आपको अगर लेना चाहे तो आप देखिए यहाँ पर लोन बेनिफिट काफी अवेलेबल है, बाकी लोन आप ले सकते कोई दिक्कत नहीं, बाकी बहुत ही कम मिलेगा आपको, वो भी 70% आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर लोन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए कि आपको लोन कितना मिल सकता है, वो ये 70% बाकी आपको कितना भरे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट बेहतर है, सबसे बेहतर ये अगर आप 9 साल मतलब 9 ईयर के टर्म लिए हैं तो 3 साल में एक आपको मिलेगा 15%, मतलब जब 1,00,000 लिए हैं तो 15,000 आपको 3 साल में मिलेगा, 6वां साल मतलब 6 ईयर में आपको मिलेगा फिर से 15%, मतलब फिर से आपको मिलेगा 1,00,000 में आपका 15,000, फिर से 12 साल आपको मतलब 6, 3, 6, 9 और 9 साल आपको तो पूरा हो ही जाएगा इसमें। ठीक है ना, इस तरह आप टर्म लिए मान के चलो आप टर्म लिए 12 साल की तो आपको 3, 6, 3, 6 और 9 ये तीनों साल में अलग अलग 15% की तरह से आपको मिल जाएगा क्या सर्वाइवल वैल्यू, मतलब आप फिर से उस चीज को कहीं भी इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके कहीं भी लगा सकते हैं। और आप 15 साल के लिए हैं जैसे सॉरी 15 साल अगर 15 साल तक आप लिए हैं 369 और 12 मतलब 4 टाइम्स आपको मिलेगा बेनिफिट सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि आपको पैसा वहां से लाए खर्च किए वहां पे थोड़ा एक बार जगह बना लिए, मतलब मान के चलिए आप 1,00,000 भर लिए और आपका टर्म ले लिए 15 साल के। ठीक है दोस्तों, तो 15 साल में 15% के हिसाब से कितना वाले मिलेगा कि यहाँ पर देखिए
एक दो तीन चार चार बार 15 × 4 = 60,000 अप्रोक्स आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको लिखे टैक्स बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू, काफी सारी चीजें हैं। अगर आप सरेंडर करना चाहेंगे सरेंडर कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे सरेंडर करने से कोई वैल्यू नहीं है, फायदा नहीं है। अगर जो भी आपको वो मजा नहीं आएगा, इससे बेहतर यह है कि आप सरेंडर मत कीजिए। कोई भी पॉलिसी आप LIC का लेते हैं तो सरेंडर ही मत कीजिए, उतना मेरे तरफ से आपको ये सजेशन है, ठीक है दोस्तों। और टैक्स बेनिफिट भी है, टैक्स में आपको क्या भरना पड़ेगा वही अप्रोक्स 8C अंडर जो आता है, जो टैक्स आपको टैक्स कंसल्टेंट आपको बता देंगे, नहीं तो ऑफिस में आएंगे तो किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो आप टैक्स के लिए बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर टैक्स की जानकारी भी चाहिए तो आप मुझसे कंटैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आखिर में आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा, आपको देखिए आप जो आपका एज 18 ईयर है और टर्म आपको ले रहे 12 ईयर और समासन ले 80,000, मतलब बहुत ही कम सिंगल प्रीमियम है, मतलब एक बार ही आपको भरना पड़ेगा। मैं आपको पहले से बताया था अगर 35,000 लेते तो 27,000 समथिंग जाता है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल प्रीमियम टैक्स कुल मिलाकर आता है आपको 64,485 रुपीज, मतलब आपका टर्म रहेगा आजोड समासोड रहेगा 80,000, बाकी आपको भरना पड़ेगा 64,485 रुपीज, आपको इतना ही भरना पड़ेगा टैक्स के साथ, कुल मिलाकर टैक्स के साथ आपको इतना ही भरना पड़ेगा। बट आपको रिटर्न कितना आएगा आप खुद ही देखिए, यहाँ पर ये देखिए आपको अपॉर्चुनिटी टैक्स सेविंग आपको हो गया 19,345 रुपीज और मनी बैक आपको आ रहा है थर्ड ईयर में 12,000, 6 ईयर में 12,000, 9 ईयर में 12,000, कुल मिलाकर आपको सारे आपको 6,000 रुपये बाद ही मिलता है कुल मिलाकर। और यहाँ पर देखिए आपको जो मैच्योरिटी में आ रहा है 1,16,485 रुपये, मतलब 1,16,485 रुपीज आपको कुल मिलाकर मिलता है आपको लास्ट में। इतने के बाद आप जो देख रहे हैं ना, ये 12,000, 12,000, 12,000, 16,000 के बाद भी आपको मिलेगा इतना, तो सोचिए। तो दोस्तों फाइनली प्लान आपको कैसा लगा पहले मुझे ये कमेंट पे लिख के भेजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं ये प्लान किसी और के लिए फायदेमंद हो सकता है तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से उसका असर बढ़ता है, दूसरों का मदद भी होता है। देखिए मेरा जो वीडियो बनाने का एक ही मकसद है आपको सही चीज बता सकूं, सही मतलब आपकी बिजनेस और आपकी लाइफस्टाइल को कम बजट में, कम अच्छे से कम मिनिमम बजट में आप कैसे अच्छा बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं, इसके बारे में गाइडलाइन देने के लिए मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। और उसकी और मेरे वीडियो बनाने का वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आज की डेट में जितना इकोनॉमिक कंडीशन जितना चल रहा है, कम से कम एक गरीब हो या कोई भी कम बजट में चाहता है कि आपने मतलब बिजनेस को शुरू करें, इस तरह इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको इस तरह चाहते हैं कि आप भी मतलब अपने बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू करें और बड़े लेवल तक लेके जाए तो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए सभी को जो इस तरह वीडियो चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।